अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मिशा अगेन। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली वीडियो देखने से पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इज फाइलम कॉर्डेटा। इसमें कॉर्डेटा का जो वर्ड है ये बेसिकली लैटिन ओरिजिन रखता है और इसका लफ्जी मतलब है कॉर्ड, मतलब कॉर्डा इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स कॉर्ड। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इस फाइलम के आगे फर्दर थ्री सब फाइलम्स हैं। फर्स्ट सब फाइलम इज़ नेम्ड एज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा के करेक्टरिस्टिक्स मैं अगले किसी लेसन में आपको डिटेल में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। बरहाल सी स्क्वेड्स भी कहा जाता है सिफेलोकॉर्डेट्स को। सी स्क्वेड्स आप कह सकते हैं कि इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा दूसरा सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। इसके अंदर लैंसीलेट्स आ जाते हैं, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट इंशाल्लाह एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थर्ड फाइलम है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। दिस इज़ द मोस्ट रिनोन्ड सब फाइलम एंड वी आल्सो बिलोंग टू दिस सब फाइलम। तो फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर तमाम वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो इसके अंदर, इस पूरे फाइलम के अंदर तकरीबन 45,000 के राउंड अबाउट स्पीशीज़ मौजूद हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ये जो तीनों मैंने आपको सब फाइलम्स बताए हैं, इन सब फाइलम्स के अंदर ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स किसी न किसी तौर पर ज़रूर मौजूद होंगी। पहला जो करेक्टर है वो है बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी को आप अगर लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो आपको राइट और लेफ्ट मिरर इमेज मिलते हैं। इसके अलावा ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म ड्यूटीरियोस्टोमेट एनिमल्स से बिलोंग करते हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में आपको ड्यूटीरियोस्टोम के मतलब डिटेल से बता चुकी हूँ। इसके अलावा इन तमाम सब फाइलम्स में तकरीबन चार यूनिक करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। ये यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी नहीं है ये ऑल ओवर देयर लाइफ इन्हें रिटेन रखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इनकी लाइफ में किसी ना किसी टाइम पर, चाहे वो डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान हो या चाहे अडल्टहुड अटेन करने के बाद तक हो, किसी ना किसी स्टेज पर लाइफ में ये करेक्टरिस्टिक्स ज़रूर प्रेजेंट होती हैं। बाद में चाहे वो किसी ख़त्म भी हो जाएं, लेकिन बहरहाल वो इवॉल्व हो सकती हैं किसी और स्ट्रक्चर में, ख़त्म कहना बेहतर नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी की किसी ना किसी स्टेज में ये करेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर पाई जाती हैं। तो पहला करेक्टर है इसमें नोटोकॉर्ड का। व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड ये मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगी। सेकंड करेक्टर है फ्रेंजियल स्लिट्स या पाउचेस का। थर्ड करेक्टर है डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड फोर्थ करेक्टर है पोस्ट एनल टेल। ये चारों कैरेक्टर जो हैं वो इन तमाम सब फाइलम्स के अंदर लाइफ के किसी न किसी स्टेज के अंदर, चाहे वो डेवलपमेंटल या एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हों या आफ्टर डेवलपमेंटल स्टेजेस, जब एक ऑर्गेनिज्म फुली डेवलप होके अपने मतलब उसकी बर्थ हो जाती है, उसके बाद भी कह लें कि ये रिटेन रख सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ऑर्गेनिज़म्स के अंदर या तो एंडोस्टाइल या फिर थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होगा। मैं पहले बता चुकी हूँ, ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक जिसके अंदर फूड की इनटेक के लिए अलग और डेफिकेशन के लिए अलग ओपनिंग होती हैं, मतलब एनस पोर्शन फॉर डेफिकेशन और माउथ फॉर इनटेक ऑफ फूड मौजूद हो, इस तरह के डाइजेस्टिव ट्रैक को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनके पास वेंट्रल साइड पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल होती है, या आप कह सकते हैं कि हार्ट होता है। बहुत ये तो एक रिनोन्ड फैक्ट है कि हार्ट जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल से ही इवॉल्व हुआ है, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी में मौजूद है। आप सबको इस रियलिटी का पता है कि आर्टरीज के पास एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन की, ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रखा जा सकते हैं। और हार्ट की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है या जो उसकी मेन खसूसियत है वो यही है कि वो ब्लड को पंप करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी है। तो ख्याल किया जाता है कि किसी वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल से ही इवॉल्व। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं, इन्हें डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है इसमें नोटोकॉर्ड का। अगेन वही बात, अगर आप इस वर्ड को गौर से देखें तो ये दो वर्ड्स का मजमुआ है। इसमें वर्ड नोटो जो है ये ग्रीक ओरिजन नोटॉन से निकला है, जिसका मतलब है बैक। वर्ड नोटॉन का मतलब है बैक, और कॉर्ड
अगेन कॉर्डा से निकला है, जिसका लैटिन ओरिजिन है और इसका इसका मतलब है, लफ्जी मतलब है कॉर्ड, मतलब बॉडी के बैक साइड पर अगर एक लंबी कॉर्ड लाइक अगर कोई स्ट्रक्चर है तो आप उसे नोटोकॉर्ड कह सकते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन, अभी मैंने बता दी कि इसकी डेफिनेशन भी आप इसे कह सकते हैं और लोकेशन के अंदर भी आ सकती है कि नोटोकॉर्ड क्या है। इट इज़ अ सपोर्टिव रॉड दैट एक्सटेंड मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल डॉर्सल टू द बॉडी कैविटी एंड इन टू द टेल। ऑलमोस्ट तमाम बॉडी को, आप सिर्फ ये सर वाला रीजन छोड़ दें, बाकी तमाम बॉडी को सपोर्ट किया होता है इस नोटोकॉर्ड के स्ट्रक्चर ने। ये एक टफ किस्म का सपोर्टिव स्ट्रक्चर है जो बॉडी को एंटीरियर पोर्शन से लेकर पोस्टीरियर पोर्शन तक अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी सपोर्ट करता है, डॉर्सल साइड पे मौजूद होता है। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं बेटे, ये कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना है। आपको बड़ा अच्छी तरह पता है कि आपकी बॉडी में जितने भी सपोर्टिव टिश्यूज हैं या जितने भी सपोर्टिव स्ट्रक्चर हैं जिसमें बोन्स कार्टिलेज आ जाता है, इवन ब्लड भी आ जाता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आते हैं। ये भी नोटोकॉर्ड भी कनेक्टिव टिश्यूज से ही मिलकर बनी है। अब स्ट्रक्चर क्या है कि बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, एक समझ लें जिस तरह पाइप होता है ना, पाइप की जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो कनेक्टिव टिश्यूज की मिलकर बनी हुई है, जो टफ शीट है, एक ये टफ किस्म का स्ट्रक्चर। और इसके दरमियान में जो सेल हैं वो थोड़े से निस्बतन नरम और वैक्यूलेटेड सेल्स हैं, फ्लूइड से भरे हुए सेल हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली कि वैक्यूलेटेड सेल्स हैं अंदर वाले, काफ़ी मोटे मोटे से फ्लूइड से भरे हुए सेल हैं जिन्हें बाहर की तरफ से सराउंड किया हुआ है, ओवरलैप किया हुआ है कनेक्टिव टिश्यूज की शीट ने। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा बेटे, इस नोटोकॉर्ड की सिग्निफिकेंस में जब या किसी भी चीज़ की आप सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो सिग्निफिकेंस में उसके यूजफुल एंड हार्मफुल हर तरह के एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। आप इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी खसूसियात, हर चीज़ को इसकी सिग्निफिकेंस कहेंगे। तो सिग्निफिकेंस में पहली तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये कंप्रेस नहीं हो सकती एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज़ के एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करें तो आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते, उसे कंप्रेस नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बट इसकी वजह से आप लेटरल साइड पर बेंडिंग ज़रूर देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें या आप यूरोकॉर्डेट्स वगैरह की बात करें या ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में तो कंप्रेस नहीं हो सकते, लेकिन इनकी बॉडी अंडुलेट कर सकती है, लहरा सकती है, ठीक है। अंडुलेशंस का मतलब होता है लहराना, ठीक है। तो अंडुलेट कर सकती है, जैसे फिश स्विमिंग के दौरान अंडुलेट करती है, उस तरह की लेटरल बेंडिंग को अंडुलेशन कहते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड पर बॉडी थोड़ा सा बेंड हो सकती है। और ये बेंडिंग भी किस वजह से पॉसिबल है? सिर्फ इस वजह से कि इसके दरमियान में फ्लूइड फिल्ड सेल मौजूद हैं कि अगर एक तरफ से थोड़ा कंप्रेशन आएगा तो दूसरी तरफ फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ कोई कंप्रेशन मुमकिन नहीं है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा अगर आप देखो, बहुत से अडल्ट वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात हो रही है, जिसके अंदर ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के बाद, ये रिप्लेस हो जाती है इनटू अ टफ एंड हार्ड वर्टिब्रल कॉलम। जो आप वर्टिब्रास देखते हैं ये नोटोकॉर्ड से ही इवॉल्व हुए हैं। इसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू की जो शीट है ये वर्टिब्रास बना लेते हैं, और दरमियान में जो डिस्क आप पढ़ते हैं, पहले भी जो जैसे आपने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े होंगे डिस्क स्लिप से रेलिवेंट, उनके दरमियान में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वैक्यूलेटेड सा होता है जिसमें न्यूक्लियर पल्पोसिस वगैरह मौजूद होती है, वो रिप्लेस हो जाते हैं। वो किस चीज़ से बनते हैं? वो इन्हीं वैक्यूलेटेड सेल्स जो हैं यही रिप्लेस होकर वो दरमियान वाली डिस्क का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है इस नोटोकॉर्ड की खास खसूसियात। इसके अलावा सेकंड कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो है ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। यहाँ पे मैंने ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड लिखा है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड भी हो सकती है ये। अच्छा, अब ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की खास बात क्या है बेटे? वर्ड्स पर गौर करें, ट्यूबुलर का मतलब ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉर्ड मतलब लंबा सा एक्सटेंशन है, एक लंबी सी बॉडी के एंटीरियर पोर्शन से और पोस्टीरियर पोर्शन तक ही एक्सटेंडेड होगी। तो नोटोकॉर्ड का भी मैंने आपको बताया, इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, या आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, अगर आप देखें तो बॉडी के डॉर्सल साइड पर नोटोकॉर्ड से भी पीछे की तरफ को, नोटोकॉर्ड से भी ऊपर डॉर्सल की साइड की तरफ को आपको ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो तो एंटीरियर साइड पर जहाँ पर बाद में सिविलाइजेशन के रिजल्ट में सर इवॉल्व हुआ है, इस तरफ को जो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है ये प्लोरीफ्रेट करके इसके सेल्स नशोनुमा पा के आगे फाइनली डिवेलप हो जाते हैं इनटू ब्रेन,
हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और पोस्टीरियर साइड पर अगर आप देखो तो ये या ट्रंक वाला पोर्शन जो होता है, इसमें सारी नोटोकॉर्ड सॉरी ये ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है बाद में डिवेलप हो जाती है इनटू स्पाइनल कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि जो नोटोकॉर्ड है इसने बेसिकली इस नर्व कॉर्ड को सपोर्ट किया होता है, जैसे आपके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है या आपकी वर्टिब्रल कॉलम ने इसको पीछे की तरफ से सपोर्ट किया होता है। तो इनिशियली अगर हम देखें या डेवलपमेंटल स्टेजेस पर देखें या आप यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स की अगर आप बात करो तो इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं लेकिन डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है जो एक आम नर्व की निस्बत ज़रा मोटी कॉर्ड लाइक होती है और एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन तक के फैली हुई होती है, सर वाले पोर्शन में भी और दुम वाले पोर्शन तक भी। और आगे इससे ब्रेन डिवेलप होता है एंटीरियर साइड पर और पीछे की तरफ हायर ऑर्गेनिज्म में इससे फिर स्पाइनल कॉर्ड डिवेलप होती है। हाँ जी, इसके अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और इसकी वजह से कम्प्लेक्स सेंसरी परसेप्शंस जो हैं इसे हम अटेन करते हैं। हमारे अंदर इंटीग्रेशन की, प्रोसेसिंग की, मोटर रिस्पॉन्सेज की एबिलिटीज जो हैं वो इसी ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की मरहूने मिन्नत है क्योंकि यही आगे फाइनली इवॉल्व होकर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट किया। हाँ जी, नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखें तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स। नाम देखें, फेरेंजियल स्लिट्स फेरेंक्स से नाम निकला है। फेरेंक्स क्या है बेटे? आपके हलक में, जैसे आप अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जैसे ही आपका मुंह खत्म होता है तो आपके हलक वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम गट की बात करते हैं, गट मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक पूरे का पूरा, इसमें जो फेरेंजियल रीजन है जहां पर हलक होना चाहिए या आप कह सकते हो एंटीरियर पोर्शन ऑफ जो गट है, यहां पर सीरीज होती है, सीरीज ऑफ ओपनिंग्स होती है। स्लिट्स का मतलब होता है ओपनिंग्स, उर्दू में अगर बात करूं तो झिर्रियां, जैसे दरवाजे में झिर्री होती है ना पतली सी जिससे आप बाहर देखते हैं, इस तरह से पतली पतली सी झिर्रियां, तो सीरीज ऑफ ओपनिंग्स हैं फेरेंजियल रीजन के दरमियान में। अब ये सीरीज ऑफ ओपनिंग एक तरफ तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खुल रही है और दूसरी तरफ ये बॉडी से बाहर खुल रही है। दिस इज अ लिंक बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल बॉडी या गट। तो ये सीरीज ऑफ ओपनिंग जो है फेरेंजियल रीजन के अंदर मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम के या डाइजेस्टिव ट्रैक के एंटीरियर पोर्शन में, जिन्हें हम कहते हैं फेरेंजियल स्लिट्स। अच्छा, इसके अलावा फेरेंजियल पाउचेस भी हो सकते हैं। पाउच क्या होते हैं? छोटे छोटे से थैलियाँ। अब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बेटे, ये पूरा सीधा एक कह लो कि जिस तरह पाइप आ रहा है सीधा सा स्ट्रक्चर इस तरह से मौजूद है। अगर कहीं से ये सीधा स्ट्रक्चर डाइवर्ट हो जाए, अपनी सीधी सीधी पोजीशन जो है कहीं से चेंज करके थोड़ा सा दाईं तरफ मुड़ के एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकला और फिर दोबारा ये सीधा अपनी जगह पर वापस आ जाए, तो इस तरह से बाहर की तरफ निकली हुई डाइवर्टिकुलेशन को हम कहेंगे डाइवर्टिकुला, ठीक है, डाइवर्ट होने वाली चीज। तो जो डाइवर्टिकुला है गट के अंदर, फेरेंजियल रीजन के अंदर अगर डाइवर्टिकुलाज हैं कुछ, तो इन्हें हम फेरेंजियल पाउचेस कहेंगे। अब इनकी खास बात यह है, ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं खुलते, जिस तरह स्लिट्स बाहर की तरफ को भी खुल रही होती हैं, ये नहीं खुलते, लेकिन ये इनका काम जो है आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, गैशियस एक्सचेंज में इनका काम जरूर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फेरेंजियल स्लिट्स की और फेरेंजियल पाउचेस की। फॉर एक्वेटिक कॉर्डेट्स, पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। बेटे इसमें बहुत से ऑर्गेनिज्म, एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स या अर्लीस्ट जो आपको नजर आए थे इवॉल्व होने वाले ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर इन कॉर्डेट्स के अंदर फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म था। तो ये फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म पॉसिबली इसलिए था कि ये मुंह से पानी अंदर या इनलेट ऑफ जो इनकी बॉडी की जो इनलेट थी उसे पानी अंदर आने देते थे, लेकिन अगर ढेर सारा पानी बॉडी के अंदर आए तो बॉडी के अंदर फ्लडिंग हो सकती है। तो इस चीज़ को कोप करने के लिए एक कैरेक्टर इनके अंदर डिवेलप हो चुका हुआ था फेरेंजियल स्लिट्स का, कि पानी तो आता था इनलेट ओपनिंग से और उसके बाद इन फेरेंजियल स्लिट्स से वो गट से बाहर निकल जाता था, क्योंकि बाहर की तरफ सुराख है ना फेरेंजियल स्लिट्स, स्लिट्स मतलब सुराख। अब इन स्लिट्स के दरमियान में छोटे छोटे सीलियाज होते हैं, ये जो पानी के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इन्होंने फिल्टर करना है, वो इन सीलियाज के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि सीलियाज जो चिपचिपी नेचर वाले या चिपकने वाले होते हैं, क्योंकि म्यूकॉइड सेल्स भी मौजूद हैं और उनका म्यूकस इन सीलियाज के ऊपर अच्छी तरह से लगा हुआ होता है, तो फूड पार्टिकल्स उनके साथ ट्रैप हो जाते हैं और पानी इन स्लिट्स के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता था। तो इनके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंपॉर्टेंस इसकी क्या थी कि फिल्टर फीडिंग में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्टिल ये अभी भी रिटेन रखी गई हैं, मतलब अभी भी बहुत से जो कॉर्डेट्स हैं इक्वेटिक कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स अभी भी पाई जाती हैं, फीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर अब ये डिवेलप हो चुकी हुई हैं या इवॉल्व हो चुकी हुई हैं इनटू गिल्स, जैसे मछलियाँ, उनमें गिल्स में डिवेलप हो चुकी हुई हैं या इवॉल्व हो चुकी हुई हैं, और इनका काम अब क्या है, गैशियस
एक्सचेंज। इसी तरह फरेंजियल पाउचेस भी गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ख्याल किया जाता है कि पहले फरेंजियल स्लिट्स थी, फिर फरेंजियल पाउचेस इवॉल्व हुए, और फाइनली फरेंजियल पाउचेस के अंदर ही गिल्स डिवेलप होना स्टार्ट हो गए, तो कह लो कि इससे गैस एक्सचेंज पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता जाने लगा। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस हम देख लेते हैं ट्रिस्टियल कॉर्डेट्स के अंदर। बेटे ट्रिस्टियल कॉर्डेट्स के अंदर फरेंजियल स्लिट्स की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, कहा यह जाता है कि इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में आज भी फरेंजियल स्लिट्स पहले डिवेलप होती हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो फौरन जल्दी से ही कह लो कि ये स्ट्रक्चर जो है ख़त्म भी हो जाता है, और बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर ये कम्प्लीटली डिवेलप ही नहीं हो पाती। बहरहाल हमारे जो ट्रिस्टियल वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर लंग्स वगैरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो डिवेलप हो चुके हुए हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, लास्ट कैरेक्टर था जो फोर्थ कैरेक्टर्स में से, ये था पोस्ट इनल टेल। अब ये नाम भी अगर आप गौर से देखें, पोस्ट मतलब बाद में, इनल मतलब एनस के पोर्शन की बात हो रही है, एनस पोर्शन से पीछे की तरफ टेल, एक लंबा ट्रेल सा। तो पोस्ट इनल टेल जो है इसकी पोजीशन तो हमें नाम से पता चल गई कि बेटे ये एक्सटेंड होगी पोस्टीरियरली बियॉन्ड द इनल ओपनिंग, ठीक है, और इसे सपोर्ट कौन करेगा, नोटोकॉर्ड या फिर वर्टिब्रल कॉलम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड है तो नोटोकॉर्ड सपोर्ट करेगा, और अगर वर्टिब्रल कॉलम में डिवेलप हो चुकी है नोटोकॉर्ड, तो वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट करेगा टेल को। तो ये एक मैंने बड़ी अच्छी डायग्राम मुझे मिली है, अगर आप ये देखें ऊपर की तरफ आपको इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू नज़र आ रहा है, या टॉप व्यू भी आप कह सकते हो, साइड पर आपको लेटरल व्यू नज़र आ रहा है। न्यूरल ट्यूब आपको ऊपर से कैसी लगेगी और साइड से कैसी लगेगी, सबसे पहले बॉडी के डॉर्सल साइड पर आपको न्यूरल ट्यूब नज़र आती है, जिससे फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिवेलप होती है। इससे बिल्कुल नीचे की तरफ देखें आप, नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर मौजूद है, ये नोटोकॉर्ड इस न्यूरल ट्यूब को ही सपोर्ट कर रही है। लास्ट में आपको इसके अंदर गट, थर्ड नंबर पर बल्कि आपको इसके अंदर गट नज़र आ रही है। गट इज़ द कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसके शुरू के अंदर आपको छोटी छोटी सी स्लिट नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, या आपको लेटरल व्यू में नज़र आएगा स्लिट नुमा स्ट्रक्चर, आपको जो टॉप व्यू है उसमें नज़र नहीं आएगा, या आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू में नज़र नहीं आएगा। फरेंजियल स्लिट्स और फरेंजियल पाउचेस का स्ट्रक्चर इंटीरियर पोर्शन में नज़र आ रहा है, और फाइनली लास्ट पे आपको पोस्ट एनल टेल नज़र आ रही है। उम्मीद है आपको समझ